सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गोरेगांव। सो यहाँ पे मैं आप लोग को जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी का घर बताने वाला हूँ, कहाँ पे रहते हैं वो गोरेगांव में, और उनकी थोड़ी बहुत जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो यार, फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पीछे ये वाली जो बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग का नाम है रहेजा हाइट्स। यहाँ पे दिलीप जोशी सर यानी कि जेठालाल रहते हैं। और यहाँ पे बात करूँ उनका घर कैसा है, तो यहाँ पे उनकी जो डॉटर है उनके पूरे रूम में यहाँ पे बुक्स और यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे वो पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। अभी तो शूट के लिए वो शायद से सूरत में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उनकी फैमिली ही है। ओके, सो गाइस, उनकी करियर की बात करें तो 1989 में उन्होंने यहाँ पे ये सभी एक्टिंग लाइन में करियर स्टार्ट किया था उनका। और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मोटे शोज किए, गुजराती शोज किए, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी भी की, जैसे कि मैंने प्यार किया, शुभमंगल, सावधान, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी की और काफ़ी सारे गुजराती शोज वगैरह। यहाँ पे कुछ रोल तो ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तमिल एक्टिंग की, यहाँ पे बोला हिंदी में लेकिन एक्टिंग वगैरह सब तमिल जैसी थी। सो वो नहीं देखा तो वो भी आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और गाइस, फिर उनकी लाइफ में एक दो साल ऐसा भी रहा कि उन्होंने यहाँ पे कुछ मूवीज़ वगैरह नहीं मिली। फिर गाइस, यहाँ पे एक समय ऐसा आया कि उनको रोल ऑफर हुआ जेठालाल के लिए। सो उन्होंने यहाँ पे उनको यहाँ पे हालांकि सिलेक्शन दिया गया था कि जेठालाल को प्ले करना या फिर चंपकलाल को, तो उन्होंने जेठालाल चूज़ किया। और आज आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री और सभी लोग जो है वो उनको जेठालाल नाम से ज़्यादा जानते हैं, दिलीप जोशी नाम से बहुत कम लोग जानते गाइस। ओके, सो अभी वक्त आ चुका है ये वीडियो को यहीं पे एंड करने का। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो चलो यार, अभी ब्लॉग को एंड कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपका ऐसे नए और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आपका दिन।